हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे डिलेड स्पीच के बारे में। यह आमतौर पे काफ़ी आजकल जो बच्चों में बीमारी देखी जाती है, बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का होने के बाद, जैसे 1 साल का होने के बाद सिंगल वर्ड्स बोलता है, जैसे मम्मा, डैड, डैडी, बाबा, नाना। 1.5 साल का होने के बाद जनरली 2 वर्ड्स बच्चा बोलता है, माय मम्मा, माय टॉय। और 2 साल का होने के बाद हमको एक्सपेक्टेड रहता है कि वो 3 वर्ड का एक सेंटेंस बोले, जैसे कि इट्स माय टॉय, इट्स, शी इज़ माय मदर, दिस इज़ माय चॉकलेट। 3 to 4 वर्ड्स ज्वाइन करके एक सेंटेंस जनरली 2 साल पे बच्चा बोलता है, या कुछ बच्चों में आजकल पूरी स्पीच भी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा ये जो माइलस्टोन है इसके अकॉर्डिंग बात नहीं करता है, डिले होता है स्पीच डेवलपमेंट, तो हम स्पीच डिलेड बोलते हैं। या फिर कुछ दूसरा इशू जो कुछ बच्चों में रहता है कि जैसे स्टैमरिंग, मतलब बात करते समय अटकना, एक ही वर्ड बार बार रिपीट करना, या बात करते समय एकदम से ब्लॉक हो जाना, ब्लैंक हो जाना कुछ देर के लिए। तो इसके काफ़ी कारण हैं। जैसे एक सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक। अगर मम्मी डैडी या दादा दादी घर में किसी को डिलेड स्पीच का डेवलपमेंट था तो बच्चों में हो सकता है। साथ में ही दूसरा जो रीज़न है, जैसे कुछ मसल्स इन्वॉल्व जो रहती है बात करने में, स्पीच प्रोड्यूस करने में, साउंड प्रोड्यूस करने में, उसका अगर टोन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है तो एक सेकंड रीज़न वो भी रह सकता है। थर्ड रीज़न है कि कोई एनजाइटी, डर या ऑटिज्म का भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। और जैसे फोर्थ, कि आजकल बच्चों के हाथ में हम मोबाइल, टीवी थमा देते हैं, कार्टून दिखा देते हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन रहता है, बच्चा बात नहीं करता, बच्चा सिर्फ मोबाइल पर टीवी, वीडियो, कार्टून, यूट्यूब जो भी है देखता है। तो इसमें हमको क्या करना है कि बच्चे के साथ सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना है। जब भी हम उसको बाहर लेके जाते हैं या घर में नहाने को लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसको बात करना है, ये खाना है, आपको खाना खाना है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या, ये हर चीज़ उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात, बच्चे के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताना है, रोज़ रात को सोते समय उसको स्टोरी सुनाना है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगाना है। बच्चों को जब आप बाहर लेके जाते हो, आप उसको बताइए ये पेड़ है, ये पौधा है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, जो भी आपको दिखता है। दूसरी चीज़, उसको प्रेशराइज़ मत कीजिए कोई चीज़ के लिए। जब वो बात करता है अच्छे से उसको अप्रिशिएट कीजिए, कोई टॉफ़ी दीजिए, पसंदीदा खिलौना दीजिए। बच्चे की जो पसंदीदा चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई टॉय है, तो आप उसको ऐसी जगह रखिए कि जो बच्चों को दिखेगी लेकिन उसका हाथ नहीं वहाँ पर पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर पर अगर आपने कुछ टॉय रखा है तो बच्चा कोशिश करेगा आपको बताने की कि मुझे वो टॉय चाहिए। वो आपको हो सकता है वहाँ पर लेके जाए, इशारा करे लेकिन बात ना करे, तो आप उसको पूछिए कि आपको क्या चाहिए। 2-3 बार ट्राई करने के बाद बच्चा बात अगर नहीं करता है तो आप उसके हाथ में खिलौना देके उसको, आप उसको सेंटेंस बोलिए कि ओके, दिस इज़ अ टॉय, यू वांट टॉय, ये खिलौना है, आपको खिलौना चाहिए, ताकि वो समझे। जो पिक्चर वाले बुक आते हैं जिसमें फ़ोटो या पिक्चर रहता है, साथ में बाजू में वर्ड लिखा रहता है, वो आप उसको दिखाइए। और फॉर एग्ज़ाम्पल कार है, उसमें कार का पिक्चर लगा रहेगा, बाजू में लिखा रहेगा, आप उसको दिखाइए दिस इज़ कार। तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। इसके साथ अगर बच्चे को बाकी बर्थ के समय कभी एडमिट किया था कुछ कारणवश, या डिलेड कराया हुआ था, या बच्चा कुछ सुनने में अगर कोई तकलीफ अगर आपको लगती है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाकी भी डिलेड है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए तुरंत। साथ में ही अगर टंग टाई, मतलब टंग के नीचे हमारी जो जीभ है और जो नीचे का पैलेट रहता है उसके बीच में एक पतला सा धागे जैसा रहता है, उसको हम टंग टाई बोलते हैं, तो उसके कारण बात करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, डॉक्टर की सलाह लेना है, अपने मन से मर्ज़ी से इलाज नहीं करना है। पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं आप। अगर एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री सब नॉर्मल है, बर्थ हिस्ट्री नॉर्मल है, तो बहुत बार हमको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेने का काम गिर सकता है। तो ये थे कुछ आसान तरीके जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे कुछ कुछ लेट बात करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप लाइक द वीडियो।